Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. किसान संगठनों की ओर से सोमवार को एक बड़ा ऐलान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 अगस्त के दिन पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। किसान नेता सरवन सिंह पंधीर ने बताया कि फसलों के लिए MSP की कानूनी गारंटी समेत किसानों की मांग को लेकर 1 अगस्त को केंद्र सरकार के पुतले जलाने और 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश में एक मेगा रैली होगी। इसके बाद 2 और मेगा रैलियां होंगी। हरियाणा में 15 अगस्त और 23 अगस्त को होगी रैली। MSP लीगल गारंटी कानून के ऊपर यहाँ दीपेंद्र शर्मा जी, प्रकाश जी और अन्य प्रवक्ता जो इंटेलेक्चुअल वो आए हैं, उन्होंने सारी बात आपके समक्ष रखी है कि अगर हमें MSP लीगल गारंटी कानून बना के दिया जाए तो जो सरकार बोल रही है वो गलत तथ्य पेश कर रही है। इतना देश का सरमाया MSP लीगल गारंटी कानून बनाने के लिए लगने वाला नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर MSP गारंटी कानून लाया जाएगा, जो फसल की खरीदी सरकार करेगी उससे कुछ प्रॉफिट आएगा। दूसरा, जो अभी हरियाणा के अधिकारियों को सम्मान करने का गैलेंडरी अवार्ड से बातचीत चल रही है, जिन्होंने किसानों मजदूरों के ऊपर जुल्म किए बॉर्डर के ऊपर, हम इसको रद्द करवाने के लिए भी ये सम्मान ना होना चाहिए। 1 अगस्त को पूरे देशभर में मोदी सरकार की अर्थियां जलाएंगे। MSP लीगल गारंटी कानून के लिए प्राइवेट बिल लाने के लिए, ऑपोजिशन पे दबाव डालने के लिए लॉन्ग मार्च भी उसी दिन करेंगे। 15 अगस्त को पूरे देशभर में ट्रैक्टर मार्च होंगे और जो 3 क्रिमिनल लॉ लेकर आई है केंद्र, उसकी जो उनके बिल की कॉपीज हैं उसको जलाएंगे। ये बहुत हार्ड कानून लाए हैं, देश के जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनके ऊपर लागू होंगे। इसी के साथ साथ 1 सितंबर को यूपी में महारैली होगी, इसके बाद हरियाणा में 15 सितंबर और 22 को 2 बड़ी महारैली की जाएंगी। 31 अगस्त को जो बॉर्डर है हमारे, जहां हम लोग धरना दे रहे हैं शंभू पर, खनौरी पर, 200 दिन पूरे होने के बाद बहुत लाखों में इकट्ठ करेंगे। उसके लिए आपके माध्यम से पूरे देश के किसान को, मजदूर को 31 अगस्त को शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान नजदीक के अधिक किसान मजदूर पहुंचे, ऐसी अपील भी करते हैं।